नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल इंडियन जॉब एंट्री में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर की क्लास चालू करने वाले हैं। करंट अफेयर की यानी 20 जून की करंट अफेयर क्लास है, यानी 20 जुलाई को यानी 20 जून को करंट अफेयर की जो डे बाय डे करंट अफेयर होती है, इस क्लास के माध्यम से आपको कवर होंगे। कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे, यानी जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी को कवर कराएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 20 जून फूलपति वाली क्लास कौन सी है, 20 जून फूलपति वाली क्लास। दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व में सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। तो सिकल सेल दिवस मनाया था 20 जून को। कब मनाया था, 20 जून को। दोस्तों इस करंट अफेयर क्लास से आपको स्ट्रेटेजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्लास के माध्यम से वो भी आपको कवर होंगे और करंट अफेयर भी आपकी मजबूत हो जाएगी। वन डे एग्जाम में अगर देखी जाए तो वन डे एग्जाम में आजकल करंट अफेयर का वेटेज काफी बढ़ गया है, तो इसलिए करंट अफेयर की क्लास लेना अति महत्वपूर्ण है। देखो अगर सिकल सेल की बात करें तो पहली बार कब मनाया गया था, 2009 से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। सिकल सेल का मतलब होता है अर्धचंद्राकार या हाशियाकार की आरबीसी, आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी हमारे सॉरी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। सिकल सेल रोग है यानी सिकल सेल रोग किससे होता है, रक्त की कमी से प्लस आरबी के कार्यकाल में कमी, यानी आरबीसी होती है उसके समय सीमा यानी कार्य अवधि की अगर यानी आरबी के कार्यकाल में कमी आ जाए तो सिकल सेल की रोग होता है, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। आरबीएसआई का कार्यकाल होता है, यानी आरबीएसआई की ड्यूरेशन कितनी होती है, वो 120 दिन के कार्यकाल होता है, ठीक है। शाही रोग किसे कहते हैं, शाही रोग हीमोफीलिया यानी हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। यह रक्त का थक्का नहीं जमता, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को ज्यादा शेयर करें और लाइक करना तो भूलें ना। चलिए आगे चलते हैं। तो विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम क्या है, तो फोलिक एसिड है। क्या है, विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। सर्वग्राही और सर्वदाता, दोस्तों सर्वग्राही और सर्वदाता में बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं कि सर्वग्राही कौन सा होता है, सर्वदाता कौन सा होता है। आज ये सब कंफ्यूजन सब की दूर हो जाएगी, ठीक है ना। सर्वग्राही बोलते हैं हम A+B, यानी A+ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव A+ पॉजिटिव। और सर्वदाता कौन सा होता है, O- कौन होता है, O- होता है, सर्वदाता होता है, ठीक है। आज से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक दो बार इस क्लास को देख लेना या आप कहीं पर नोट्स अपने बनाते जाना, वहां डिविजन होता रहेगा, ठीक है। 14 दिन रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी 14 जून, यहाँ पे जून टाइम मिस्टेक हो गई है, यानी 14 जून है, क्या है, 14 जून। 14 जून को रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति थे, व्यक्ति कौन थे, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। कौन व्यक्ति का नाम क्या था, कार्ल लैडिनस्टीनर, क्या था, कार्ल लैडिनस्टीनर, ठीक है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों दो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, कौन सा एक करंट अफेयर था, प्रतिवर्ष सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। उससे आज तक मतलब उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्ट्रेटेजिक में, यानी हमने वो सब कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आज का करंट अफेयर का, यानी 20 जून का करंट अफेयर का डे बाई 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ये हाल ही में क्या है, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, यानी एक महिला है, महिला का नाम है हमजा अब्दी बर्रे, किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किए, ये सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए, ठीक है। अब तो इससे कुछ करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी के पॉइंट बनते हैं, वो पॉइंट हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। अगर दोस्तों इन पॉइंटों को अगर आप नोट भी नहीं करते इस क्लास में डे बाय डे देखते जाएंगे तो ये कवर हो जाएंगे। आपको एग्जाम में जीके के पोर्शन में आपको जो नंबर है वो बूस्टर करने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं किसके द्वारा अपॉइंटमेंट में किए गए, यानी जो हमजा अब्दी बर्रे है किसके द्वारा नियुक्त किए गए, ये राष्ट्रपति, ये किसने, राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद, ये राष्ट्रपति कहां के, सोमालिया के, कहां के, सोमालिया की राजधानी क्या है, मेगादून, क्या है, मेगादून, ठीक है। आगे करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है, बात करते हैं इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, कितने देश शामिल है, 4 देश शामिल है, किसमें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। बात करते हैं आगे
बाग और मंदिर आंसुओं के दार की संगी लाल सागर और मदन खाड़ी को जोड़ती है। आगे बात करते हैं भूमध्य सागर और सागर कौन सा जो यानी भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने वाली नहर, यानी एक नहर है वो दो सागर को जोड़ रही है, एक तो भूमध्य सागर एक लाल सागर, कौन जोड़ती है? ये हमारी स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। कौन सी? स्वेज नहर। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मैं स्टार्ट आया था। दोस्तों अगर इस क्लास के आप नोट्स भी बना जाएंगे ना, आपको जीके के पोर्शन में अच्छा खासा स्कोर करने को मिलेगा। बात करते हैं आगे, पाकिस्तान के नए पीएम कौन है, यानी नए प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज। कौन है? शहबाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन की बात करते हैं कि भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया, यानी भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया, यानी ये लद्दाख में स्थापित किया गया, कहाँ? लद्दाख में। चलिए आगे बात करते हैं कि लद्दाख, अरे दोस्तों ये क्या था कि क्वेश्चन नंबर तीन है, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित? लद्दाख। अरे लद्दाख से जितने भी पॉइंट है ना वो हम इस वीडियो में सब कुछ कराएंगे, यानी पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको कराएंगे। आप अगर नोट्स भी नहीं बनाते हैं तब भी कम चल जाएगा, डे बाय डे इस क्लास को देखते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो दो चार दिन बाद क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं लद्दाख के हमले क्षेत्र में, यानी एक लद्दाख का क्षेत्र है हमले, उसमें क्या है? चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य है, एक लद्दाख में वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम में खासकर से रेलवे ग्रुप डी आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी जुलाई के एंड में स्टार्टिंग हो जाएगी, अगर आपको वन्य जीव अभयारण्य आपको पढ़ने पड़ेंगे, हम इस वीडियो में मतलब आज डे बाई डे एक दो वन्य जीव अभयारण्य डाल देते हैं, ठीक है। और जो लद्दाख में बात करते हैं, लद्दाख में एक कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य है, डाई स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, ठीक है। ठीक है, अगर ये डाई स्काई का मतलब होता क्या है? डाई स्काई रिजर्व का मतलब क्या होता है? ये होता है रक्त में स्वाभाविक अंधेरा प्लस तारों की रोशनी प्लस साफ आसमान, ठीक है, ये मतलब होता है। इसे अगर तो इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने जाए, क्योंकि इसका मतलब हमने बताया था, कुछ लोग बोलते हैं तो सर आपने इसका मतलब बताया नहीं, मतलब हम जो कुछ लगेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, उसका अर्थ भी बताएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताएंगे हम, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं लोसार त्योहार कब मनाया जाता है। लोसार आपका जो त्योहार है वो लद्दाख में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है, और लोसार त्योहार आपको सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों आप इन दो त्योहारों में कंफ्यूज मत होना, देखो लोसार त्योहार होगा तो वो लद्दाख में आएगा, लोसार होगा तो सिक्किम में आएगा, दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे त्योहार आपको नोट करके दिखाएंगे, ठीक है, तभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं कुल्लू घाटी कहाँ स्थापित है? ये लद्दाख में, कहाँ? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क है, कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर चार की तरफ चलते हैं, चार क्या है? चर्चा में रही भारतीय संविधान की अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। कौन है? राम बहादुर राय। ठीक है, विमोचन किसने किया, इसका विमोचन किसने किया है? हमारे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि संविधान की आत्मा 32 को किसने बताया, कि जो आर्टिकल नंबर 32 है वो संविधान की आत्मा किसको किसने बताया था? हमारे भीमराव अम्बेडकर ने बताया, ठीक है। ठीक है, द बॉय हु रोट एक कंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश तलवार है। ठीक है, नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन किसकी पुस्तक है? विनोद राय की। कौन किसकी है? विनोद राय की। टॉम ऑप्शन किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पुस्तक वन की अभ्यारण करंट अफेयर से स्ट्रेटेजी के कुछ पॉइंट्स में हम डेली अपडेट करते रहते हैं कि ताकि वो आप एग्जाम में आपको जब आए तो आप माइंड में आपको क्लिक हो जाए कि हमने हाँ हम इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं संविधान, संविधान संस्कृत और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? कलराज मिश्रा की पुस्तक है। इसमें कितनी बुक की बात कर ली हमने? देखो एक बुक की, दो, तीन और चार, चार बुक की बात कर ली। एक चार हुई किताब की, ये चार हुई पुस्तक किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है, तभी हमने यहाँ पे इन्हें डाला है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, यानी किस देश में किया जाएगा? भारत में। अदो दोस्तों ये कौन सा? फीफा अंडर वर्ल्ड, यानी फीफा से जितने भी क्वेश्चन या विश्व कप से जितने भी क्वेश्चन हम नोट करते चले हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका शुभारंभ कहाँ होगा? ईशा में होगा। कहाँ होगा? भारत के अंदर एक ईशा जगह है वहां पे होगा। ठीक है, फाइनल मैच में डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में होगा। ठीक है, बात करते हैं पिछली बार जो 2018 किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। संतोष ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती है? तो संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है। किसने? केरल ने जीती। फुटबॉल की ट्रॉफी है, किसकी ट्रॉफी है? फुटबॉल की ट्रॉफी है, यानी इसका संबंध भी पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है,
ठीक है, बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा। ये हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, भारत में होगा। कौन सी जगह होगा, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। कहाँ होगा, राउरकेला में होगा। ठीक है, बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 राष्ट्रमंडल का आयोजन कहाँ होगा, बर्मिंग कहाँ है, यूके में, कहाँ है, यूके में। ठीक है, आगे चलते हैं कि 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कौन सा, 1930 में हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं आगे। एशियाई खेल पहली बार यानी एशियाई खेलों का उद्घाटन पहली बार 1957 कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि 2022 होम चीन कहाँ होगा, होम चीन में होगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, कतर कहाँ है, दोहा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रेट लिस्ट का संबंध किस संस्था संगठन से है। यानी ये बोला है कि अक्सर टेरर जो फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रेट लिस्ट का नाम संबंध किस संस्था या संगठन से है, तो किस से है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से है। किस से है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से है। ठीक है, अगर इससे कुछ बनने वाले क्वेश्चन है क्या है, जैसे क्या है, फाफ तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी एक फाफ तो एक लिस्ट होगी, ग्रे लिस्ट से किससे बाहर कर दिया, पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। फाफ के द्वारा दो लिस्ट जारी की जाती है, नंबर एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट, यानी ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, फाफ्टा की स्थापना 1989 में की गई थी, कि कहां की है, इसका मुख्यालय कहां है, पेरिस कहां है, फ्रांस के अंदर है। ठीक है, फाफ्टा में कितने देश है, यानी 37 सदस्य और दो संगठन है। संगठन की तो बात मैं हमने आप कर ली, संगठन ये एक ग्रेट लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। ठीक है, फाफ्टा के नए अध्यक्ष होंगे राजा कुमार है, कहाँ है, राजा कुमार है, कौन है, राजा कुमार है। ठीक है, ठीक है, WHO की स्थापना, यानी WHO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। इसमें कितने देश सदस्य है, 164 देश सदस्य है। ठीक है, बात करते हैं WTO की पहली महिला अध्यक्ष, यानी WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, नाओमी ओसाका इवेरा, कौन बनी थी, नाओमी, WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, नाओमी ओसाका इवेरा बनी थी। ये कहाँ की थी, नाइजीरिया की थी, कहाँ की थी, ये नाइजीरिया की थी। ठीक है, बात करते हैं आगे, WTO का पुराना नाम क्या है, जो WTO का उसका पुराना नाम क्या है, GATT, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ट्रैफिक। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूएनएस का मुख्यालय कहाँ, मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी किनारे, कहाँ है, सीन नदी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। हाल ही में फ्रांस में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया, एक कौन है, कौन है एक कौन लिख रहा है यहाँ पे, कौन सा फेस्टिवल हुआ है, 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, कहाँ हुआ है, ये पेरिस में मनाया गया। ठीक है, ठीक है, हाल ही में भारत के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन सा देश शामिल हुआ है, यानी भारत के लिए एक देश शामिल किया गया है सुरक्षा परिषद में, कौन, जापान, कब, 2023 और 2024 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, 18 जून 2022 को किसने कुर्ता ने गेम्स में जेवेलियन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है, किसने जीता, ये हमारे नीरज चोपड़ा, यानी नीरज चोपड़ा इसने जीता। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक और गोल्ड मेडल जीता था, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, इसने कितनी दूर फेंका था, 6.869 मीटर दूर फेंका है। ठीक है, ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। वो कहाँ लिख रही है, कहाँ लिख रही है, क्या है, कहाँ है। ठीक है, ठीक है, हैप्पी यूनिवर्सिटी भाई, दोस्तों जान मत जाना आप। ठीक है, देखो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा दो गोल्ड मेडल जीते थे, एक तो अभी जीता हाल फिलहाल में और एक जीता था 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। कितने मीटर फेंका था, 87.58 मीटर दूर फेंका था इसने। ठीक है, दूसरे व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले, यानी लगातार दो बार गोल्ड मेडल व्यक्तिगत दो बार जीतने वाले कौन थे, नीरज चोपड़ा है। कौन है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल के अंदर 37 सदस्यीय एथलेट टीम की अगुवाई कौन करेगा, यानी राष्ट्रमंडल खेल है उनके अंदर जो 37 सदस्यीय टीम होती है एथलेट की होती है, उनकी अगुवाई कौन कर रहा है, ये हमारे नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा। ठीक है, निकहत जहरीन तेलंगाना बॉक्सिंग के अंदर चैंपियनशिप तुर्की के आदर हुई प्रतियोगिता में मेडल जीता, किसने जीता, निकहत जहरीन ने। ठीक है, मीराबाई चानू अभी मेडल जीता था, सिल्वर, क्या सिल्वर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, तो ये मीराबाई चानू कहाँ की है,
मणिपुर की है, किसमें इनका वेट लिफ्टिंग में जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में बालिका पंचायत की शुरुआत हुई, ये गुजरात में कच्छ में, कच्छ के एक गांव है कोनरिया गांव है, किसके अंदर कच्छ किसके अंदर, गुजरात के अंदर। दोस्तों ये सभी आपको सब कुछ याद हो जाएंगे, डेली प्रॉपर वे से आप क्लास देखोगे तो सब आपके माइंड में हो जाएगा। अब दोस्तों मेरी एक सलाह माने तो आप इसकी नोट्स बनाते जाएं और रिवीजन सिर्फ 5 या 10 मिनट डेली आप इसे देते रहें। स्टैंडर्ड जीके कौन सी भी हो, जीके और जनरल साइंस, इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 साल की उर्मी आहिर सरपंच यानी जो लड़की है उनका क्या नाम है, बालिका सरपंच होनी कौन है, 20 साल की है, क्या नाम है उसका, उर्मी आहिर सरपंच बनी है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आयोजन, देखो ये योजना आजकल किसी भी एग्जाम में देखो योजना बहुत आ रही है, तो योजना आपको कवर करनी होगी। अगर हम एक दो वीडियो यहाँ पे लाएंगे, मैं तभी कहता हूँ आपको अगर नोट्स बनाओगे तो योजना आर्टिकल पुस्तक है सब कुछ कवर हो जाएंगे आपको। ठीक है ना, ठीक है, तो ये योजना कब लागू होगी, 22 जनवरी 2015 में, कहाँ के, पानीपत से, पानीपत कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, चलिए, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, कलोर कहाँ है, गुजरात के अंदर है। आगे चलते हैं, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ है, सूरत में, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया गया, सूरत में बनाया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अंतरिक्ष सार्वजनिक प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय उद्घाटन किया है, अहमदाबाद किसके अंदर, हमारा ये गुजरात के अंदर। ठीक है, आईपीएल का जो अभी संस्करण हुआ था उद्घाटन, मतलब गुजरात टाइटन ने जीता था, कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण था, यानी इससे पहले कितने आईपीएल हो चुके हैं, 14 हो चुके हैं, ये कौन सा था, 15वां था। ठीक है, किस टीम ने जीता है, गुजरात टाइटन ने जीता है। ठीक है, बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, किस हवाई अड्डे ने स्काई टच वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार, ये क्या है पुरस्कार, 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है, एन किस ने जीता है, केपे गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, बेंगलोर के अंदर है। अगर इसमें हवाई अड्डा की बात की है तो नीचे मैंने कुछ हवाई अड्डों के नाम लिखे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आयोजन कहाँ होगा इसका, फ्रांस के अंदर होगा। ठीक है, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये अमृतसर में है, कहाँ है, अमृतसर में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, ये कोलकाता में। जेवर एयरपोर्ट हवाई अड्डा कहाँ है, नोएडा वो कहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, डेली बेस से आपको ये करंट अफेयर क्लास कराई जाएगी। वीडियो क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं।